चलिए धन्यवाद। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लंबे संघर्ष के बाद राज तो हमें मिल गया, लेकिन इस राज्य में एनडीए सरकार के कुशासन और इसके झारखंड विरोधी नीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई त्यागे किए। इनके झारखंड विरोधी नीतियों के विरुद्ध हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं और मौजूदा जो राजनीतिक हालात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, इसमें एनडीए सरकार और उनके सहयोगियों को किस तरीके से परास्त किया जाए, इस पर भी काफी सहयोगियों ने जोर दिया है और हम अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करें, इस पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी उत्सुकता दिखाई है। और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के प्रत्याशी को कैसे प्रयास परास्त करे, इस पर कार्यकर्ता से ले नेतागण तक तैयार है। और ये 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में यूपीए का एक बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। जमशेदपुर सीट जेएमएम को मिल रहा है? देखिए, इस विषय पर आधिकारिक पुष्टि या अनाउंसमेंट लगभग टेंटेटिव डेट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 तारीख तक हम लोग इसको आप लोग के समक्ष खुटी भी डिमांड कर रहे थे। देखिए, चूंकि महागठबंधन है या गठबंधन है, इसके तहत ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी दल 14 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। आपके विधायक सांसद जो सीटिंग है